धन्यवाद सभापति जी। मैं आज इस सदन में हिमाचल प्रदेश के सिरमौरी जिले के गिरिपार ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव मान्य ट्राइबल मिनिस्टर मान्य अर्जुन मुंडा जी इस सदन में लेकर आए हैं, उसे मैं अनुमोदन करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। मान्य सभापति जी, सिरमौरी जिले के रहने वाले हमारे हाटी समुदाय के भाई बहन की ये बरसों की पीड़ा थी, लेकिन उनकी पीड़ा आज इस ऐतिहासिक सदन में उनका सपनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए परिपूर्ण हो रहा है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करती हूँ। माननीय सभापति जी, हमारे ट्राइबल समाज वे प्रकृति प्रिय हैं। आदि अनादि काल से शहरों में, दूर दुर्गम विस्तारों में, पहाड़ों में, दूर दराज अविकसित विस्तारों में रहते हैं। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे ट्राइबल समाज का हिस्सा भी बहुत अनमोल रहा। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद कई सरकारों आई ने गई, शासन किया। मैं सदन में जिस सरकारों ने आदिवासी समुदाय का अन्याय किया है उसका नाम मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन उन सरकारों ने आदिवासी समुदाय को अन्य समुदाय के बरोबर करने का कभी सोचा नहीं। करने का काम तो नहीं किया, लेकिन सोचा भी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन सभापति जी, 2014 आया, केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार आई, गरीबों की सरकार बनी रही और मोदी सरकार ने ट्राइबलों को मसीहा बनकर काम करना शुरू किया और आज हम सब देख सकते हैं कि मोदी जी की प्रत्येक योजना में गरीब केंद्र बिंदु रहता है। शोषित, पीड़ित, ये सब उनकी प्रत्येक योजना में केंद्र बिंदु रहता है। आज सारा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हमारे सब ट्राइबल लोग भी प्रत्येक योजना के माध्यम में उनके जीवन में विकास उत्सव मना रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज दूर दराज दुर्गम में जो हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, बरसों से रहते हैं, आदि अनादि काल से रहते हैं, उनको पहाड़ी लोगों के लिए भी हमारा मोदी सरकार ने पर्यावरण को रक्षण करते हुए उनके अनेक योजनाओं उनके लिए दी हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहाँ दुर्गम विस्तार हैं, उनको रोपवे के माध्यम से भी रोड पहुंचा गया है। ये मोदी सरकार ने हमारे आदिवासियों के लिए किया है, माननीय सभापति जी। और मैं कहना भी चाहती हूँ, दूसरी बात आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी गुजरात में एक कहावत है, मन होए तो माळवे जवाय, मन होए तो माळवे जवाय, विल विल फाइंड वे। इस कहावत को सार्थक करते हुए मोदी सरकार ने एवं हमारे ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइबल समुदाय के लिए बहुत काम किया है, कर रहे हैं और जीवन में बदलाव ला दिया है। हमारे आगे सभी ने बहुत कुछ बात की और मैं गर्व के साथ कह रही हूँ कि हमारे जो सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है वो भी लीडर हमारा ट्राइबल है। हमारे इस सदन में, हमारे लोकसभा राज्यसभा में जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो भी 8 है और मैं गौरव के साथ कहती हूँ 3 हमारा ट्राइबल स्टेट के गवर्नर भी है। इसलिए सारे ट्राइबल को जो बदलाव लाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इसलिए जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर आज जो हिमाचल प्रदेश के हमारे ट्राइबल लोगों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का, जिनकी आबादी है 1.60 लाख जो ट्राइबल बनेंगे उनका जीवन में बदलाव आएगा, उसको अनुमोदन करते हुए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। धन्यवाद।